नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल केडिया। दोस्तों अभी कल की बात है, गुजरात के वाडनगर में जहां पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा परिवार रहता है, सारे भाई रहते हैं, वहीं घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हो रही थी। लाखों की भीड़ में मोदी के छोटे भाई भी नजर आए, जो काफी पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे। मीडिया की नजर आखिर में उन पर पड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि परिवार आज भी तंगहाली बदहाली का जीवन जी रहा है, बीपीएल कार्ड से गुजर बसर हो रहा है। पीएम मोदी के छोटे भाई प्राइवेट जॉब करते हैं। रैली खत्म होने के बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आप अपने भाई मोदी से कब मिले थे। जवाब था, जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। दूसरा सवाल उनसे यह पूछा गया कि आप अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगते। उनका जवाब था कि नरेंद्र मोदी सन्यासी हैं, वे खुद के लिए कुछ नहीं कर सके तो हमारे लिए क्या करेंगे। उन पर देश की जिम्मेदारी है, जो देंगे वो सबको देंगे। उनसे पूछा कि अभी तो नजदीक हैं, आप अभी मिल क्यों नहीं लेते। उन्होंने कहा कि उनका एक एक मिनट बहुत कीमती है, उनका एक एक मिनट देश को समर्पित है। अगला सवाल पूछा गया कि आप दिल्ली जाकर पूरा परिवार मिल क्यों नहीं लेते, शायद आपकी मदद हो जाएगी। तब जो उन्होंने जवाब दिया वो आप भी ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि आज तक देश की मीडिया ने हम सब भाइयों को, हमारे परिवार को कभी किसी चैनल पर नहीं दिखाया। हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हमारे घर कैसे चलते हैं, हमारे बच्चे कहां पढ़ते हैं, ये कभी किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और शायद इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमारा हाल देखकर विपक्षी पार्टियों का गर्दन हमेशा हमेशा के लिए शर्म के मारे झुक जाएगा और देश की जनता के दिल में मोदी भगवान की तरह जगह बना लेगा। लेकिन अगर दिल्ली जाकर मिल आए तो यही मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी और पूरा विपक्ष कहेगा कि मोदी ने अरबों खरबों रुपए अपने भाइयों को दे दिए, बड़ी बड़ी कंपनियां बनवा दी, बड़े बिजनेस करवा दिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मोदी भाई पर जरा भी उंगली उठे। इतना कहने के बाद वो पार्किंग में खड़ी अपनी पुरानी स्कूटर उठाकर वहां से चले गए। उनकी आंखों के दर्द को जिसने भी देखा वो देखते रह गए। दोस्तों यही महानता मोदी को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। भले ही आप मोदी से नफरत करें, आप किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी को वोट करते हो, पर आप मोदी को इज्जत दीजिए, उनके परिवार को इज्जत दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसा परिवार है जो नेहरू गांधी परिवार, लालू, मुलायम, मायावती, बादल, केजरीवाल, ममता, ऐसे तमाम नेताओं के परिवार की तरह नहीं फला फूला, इनके जैसा कभी नहीं बन सका। इन्होंने देश की संपदा को लूटकर अपने खजाने नहीं भरे। मोदी ने अपना तन मन धन देकर, यहां तक कि अपना नींद भी इस देश के लिए कुर्बान कर बैठे हैं। और अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए 2% टैक्स बचाने के लिए आज मोदी का विरोध करते हैं तो हम आज जो भूल कर रहे हैं उसके लिए शायद हमें पछताने का भी मौका ना मिले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अब आप ये वीडियो क्लिप देखिए। अगर आपका भाई प्रधानमंत्री होता तो क्या आप पतंग बेच रहे होते, या फिर पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट, या किसी गौशाला में हेल्पर होते? अगर आपका बेटा प्रधानमंत्री होता तो क्या आप लाइन में पैसे लेने के लिए खड़ी होती? जरा सोचिए। मैं विक्रम बजाज फिर एक बार लेकर आया हूँ खबरों के पीछे का रिसर्च और सच। इस देश में परिवार में एक बंदा पॉलिटिक्स में जाए तो परिवार में दूर दूर तक सारे के सारे पैसों के ढेर में खेलते हैं।
तभी आज हमारे पास हैं एक ऐसे नेता जो देश की सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन उनका परिवार कैसी आम जिंदगी जी रहा है। नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोम भाई मोदी खुद तो मानते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के भाई हैं, पर उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों में से एक है। छोटे भाई पंकज भाई गुजरात सरकार के माहिती विभाग में साधारण सी नौकरी करते हैं। दूसरे बड़े भाई अमृत भाई एक प्राइवेट कंपनी में फिटर के तौर पर रिटायर हुए हैं। आज भी उनके परिवार में से किसी ने एरोप्लेन अंदर से नहीं देखा। मोदी जी के दूसरे छोटे भाई प्रहलाद मोदी एक फेयर प्राइस शॉप चलाते हैं। उनकी 95 साल की माताजी नोटबंदी के बाद पैसे निकालने के लिए खुद लाइन में खड़ी दिखी थी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने कितना कष्ट उठाया। नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई अशोक भाई 8x4 फीट के किराए की दुकान में पतंग पटाखे और नाश्ते बेचते हैं। बड़े चचेरे भाई भरत भाई एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट हैं और उनकी पत्नी रमीला बहन वडनगर के अपने छोटे से घर में ही खाने का सामान बेचती है। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। तीसरे चचेरे भाई चंद्रकांत एक गौशाला में बतौर हेल्पर काम करते हैं। चौथे चचेरे भाई अरविंद भाई एक स्क्रैप डीलर है, जबकि पांचवे चचेरे भाई भोगीलाल ग्रोसरी शॉप चलाते हैं। चाचा कांतीलाल और जयंतीलाल रिटायर्ड टीचर्स हैं। जयंतीलाल की बेटी लीना की शादी एक बस कंडक्टर से हुई है, मतलब कि देश के प्रधानमंत्री का जीजा एक बस कंडक्टर है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। परिवार को मोदी जी पर बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। अब जरा सोचिए, दूसरी तरफ है यूपी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव परिवार, जो सत्ता की खींचतान में अपने स्टेट, अपने लोग, अपनी जिम्मेदारियां और अपना होश तक भूल चुके हैं। गांधी परिवार जिसने अपने परिवारवाद से कितना बड़ा पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा किया, और बिहार के लालू प्रसाद भी अरबों खरबों के घोटाले कर अपने खानदान को माला माल करते आए हैं। कश्मीर में भी लोगों का जो होना हो वो हो, लेकिन अब्दुल्ला परिवार के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आई। अब जरा सोचिए, नरेंद्र मोदी ऐसे कैसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने बड़े पद पर होने के बावजूद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते हैं? क्यों? जवाब साफ है, ये 25-50 लोग नहीं बल्कि 125 करोड़ भारतीय ही उनका परिवार है। 125 करोड़ देशवासियों में एक मोदी होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपने आप को पूरी तरह खपा दूं, आहूत कर दूं, उससे बड़ा जीवन का आनंद क्या होगा। जरा सोचिए, क्या देश को ऐसा निस्वार्थ प्रधानमंत्री कभी मिला है, क्या तो कभी मिलेगा, ये जरा सोचिए।